दोस्तों स्वागत है आप सबका मेटा के और एक नए एपिसोड में। और लाइव आपके लिए मेडिकल दुनिया की बहुत सारी खबरें, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो अपडेट आ रही है दोस्तों जीएसटी के बारे में, और आने वाले दिनों में इंडिया में आप सब लोग बताएंगे जीएसटी बहुत दिनों पहले अप्लाई हो चुकी है। जीएसटी की वजह से यहाँ पे टैक्सेस के जो रेट से थोड़ी सी बढ़ चुके हैं, और यहाँ पे आने वाले दिनों में हेल्थ केयर सर्विसेज जो है ये भी यहाँ पे जीएसटी के अंडर आ सकती है। हालांकि बहुत सारे हेल्थ केयर सर्विसेज आज के डेट में जीएसटी के अंडर है, लेकिन और ज़्यादा ये हेल्थ केयर सर्विसेज ऐड होने वाली है जीएसटी के अंडर, इस वजह से यहाँ पे हो सकता है कि हेल्थ केयर सर्विसेज इंडिया में थोड़ी सी महंगी हो जाए। आप सब लोग को पता है कि यहाँ पे इकोनॉमिक स्लो डाउन है, और इस वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए कि यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स को हेल्प किया जाए, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें आज के डेट में थोड़ी सी महंगी भी हो सकती है। यहाँ पे दोस्तों दूसरा जो अपडेट है यार दोस्तों एक्सेसिव एंटीबायोटिक के बारे में, और अपडेट आ रहा है दोस्तों एक स्टडी के बारे में। वाशिंगटन डीसी में ऐसा स्टडी किया गया था जहाँ पर ऐसा देखा गया कि अगर 5 साल के बच्चा होता है, उस 5 साल के बच्चों के अंडर जितने भी सारे लोग आते हैं, उन बच्चों को अगर हम यहाँ पे एक्सेसिव एंटीबायोटिक देते हैं, तो उस वजह से उनके हेल्थ के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है उनके हेल्थ के ऊपर, या फिर उनकी बॉडी यहाँ पे सस्टेन करने के लिए अनेबल होती है वायरसेस बैक्टीरिया इन सारे के लिए, और एक बहुत बहुत सीरियस अपडेट आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों तीसरा जो अपडेट है यार दोस्तों EMHA के बारे में, जो कि हेल्थ केयर एजेंसी है इंडिया की, इसने यहाँ पे रिजेक्ट किया है दोस्तों वायलेंस बिल को। यहाँ पे आप सब लोग बताए कुछ दिनों पहले यहाँ पे इंडिया में डॉक्टर्स के ऊपर वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, और इसके बाद यहाँ पे डॉक्टर्स ने एक अपील की थी कि वायलेंस बिल आना चाहिए, जिसके अंडर यहाँ पे 10 साल की सज़ा और बहुत सारा जुर्माना भी था अगर आप डॉक्टर के साथ यहाँ पे वायलेंस करते हो। तो उसी बिल को यहाँ पे EMHA ने यहाँ पे रिजेक्ट किया है। कि रिजेक्ट क्यों गया इसके परफेक्ट रीज़न अभी तक तो पता नहीं, लेकिन EMHA ने ऐसा बोला है कि ऐसा लॉ तो पहले भी अवेलेबल है जहाँ पे 3 से 10 सालों तक की सज़ा और 1 लाख से 10 लाख तक यहाँ पे जुर्माना हो सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे आने वाले दिनों में देखते हैं यहाँ पे डॉक्टर्स लोग इसको कैसे यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं, किस तरह से इसको टैकल करते हैं। यहाँ पे दोस्तों चौथा जो अपडेट है यार दोस्तों एक फिर से एक स्टडी के बारे में, और अपडेट आ रहा है दोस्तों रेडिएशन थेरेपी और कैंसर के बारे में। आप सब लोग को पता है जब भी कोई किसी पेशेंट को कैंसर होता है तो उसके बाद उसे रेडिएशन थेरेपी से जाना होता है। तो ऐसा स्टडी ने बोला है कि अगर रेडिएशन थेरेपी के रेडिएशन थेरेपी से पहले अगर किसी इंसान को हम एंटीबायोटिक दे दें, तो इस वजह से इसे कैंसर फाइट करने में यहाँ पे हेल्प हो जाती है, जो कि बहुत अच्छा अपडेट है। यहाँ पे दोस्तों पांचवा जो अपडेट है यार दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में, और अपडेट आ रहा है दिल्ली के बारे में। आप सब लोग बताइए दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट यहाँ पे दिल्ली के लोगों के लिए आज के डेट में लिए जा रहे हैं, और उसी के यहाँ पे अपडेट आ रहा है कि आने वाले दिनों में बर्थ सर्टिफिकेट एडिट करने के लिए यहाँ पे दिल्ली के लोगों को म्यूनसिपैलिटी ऑफिस में जाने की कुछ भी जरूरत नहीं रहेगी। वो अपने वार्ड के हिसाब से यहाँ पे ऑनलाइन अपने बर्थ सर्टिफिकेट को यहाँ पे एडिट या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि बहुत बहुत अच्छा अपडेट है। यहाँ पे दोस्तों सबसे लास्ट जो अपडेट है यार दोस्तों एलर्जीज के बारे में, और अपडेट आ रहा है दोस्तों फिर से इंडियंस के बारे में। ऐसे एक स्टडी ने बोला है कि यहाँ पे इंडिया में लगभग 33% जो लोग हैं वो एलर्जी से इफेक्ट होते हैं, और इस वजह से उसमें से बहुत कम लोग यहाँ पे उनको ट्रीटमेंट मिल जाती है। यानी जिन 33% लोगों को यहाँ पे एलर्जी होती है उसमें से बहुत कम लोग होते हैं जो ट्रीटमेंट लेते हैं, जो कि बहुत बहुत सीरियस बात है इंडिया जैसी कंट्री के लिए। ये थे मेडिकल दुनिया के अपडेट। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया, और अगर आपको लग रहा है चैनल में जैसा कंटेंट है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में कोई अच्छी सी कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।